go into the biomolecules and dance of life, then you can see that this is going to be very, very important topic. And even in the CSIR, you can see a lot of questions have been asked from these topics. So this is the part C and part D. Okay, so part D I will cover tomorrow, I think. And acid basic interaction, van der Waals, electrostatic hydrogen bonding, hydrophobic interaction, right? So these are the topics of discussion today. Now try to answer this first question. I will look upon this question and try to answer. How do you say? What do you think? Which should be the right answer? मेरी आवाज आ रही है सबको? आफरीन सत्यथी, यस सर, आवाज नहीं आ रही? इससे पहले बिल्कुल नहीं आ रहा, इससे पहले नहीं आ रहा था. हाँ, इसके पहले कैलिबर नहीं किया था ना, सेट नहीं किया था, अभी सेट किया मैंने, इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ ना. आवाज आ रही कि नहीं? गुड इवनिंग सर. तो ये देखो, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सतपथी ट्राई करो ये क्वेश्चन, आप दोनों ट्राई करो. फ्री एनर्जी ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इंक्रीजेज विद सॉल्यूट कंसंट्रेशन, डिक्रीजेज विद सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन. ये कहीं बुक में जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है? ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली बी प्रेजेंट इन द क्लास. Then you can, after 3 to 4 lecture, then you will conceive this concept. This is the extract of various lectures. So, chalo, try karo. Free energy of dissolved solute increases with solute concentration, decreases with solute, is independent of solute, dependent only on temperature. So, what do you say? Sir, decrease with solute concentration. क्यों? What do you mean by the free energy? Free energy always should be negative, ठीक है? तो अगर मान लो एक सॉलिड है और उसको आपने छोटे छोटे पार्टिकल में डिजॉल्व किया, तो डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, यानी डिक्रीजेज, दैट शुड बी डिक्रीजेज विद. सर, इन फॉरवर्ड रिएक्शन डेल जी शुड बी नेगेटिव, सो इफ अ सॉलिड इज डिजॉल्विंग, सो we can think that the degree of dissolvedness would increase, so that the del S value will be more and the del G will be more negative. Which is correct? I got it. So which option is correct? So sir, B. B sir. B option, option B. Right. On the molar scale, then wording. On the molar scale, which of the following interaction in non-polar environment provide highest contribution to biomolecule? On the molar scale, which of the following interaction in non-polar environment provide highest contribution? So, van der Waals interaction. Any other option? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Galat. So, van der Waals interaction. Van der Waals. हर एक चीजों में देखते हैं. Wonderfuls, वो फोर्स जो है मोलर स्केल, मोलर स्केल देखो उसने क्या लिखा है सेंटेंस. हाँ, ये सर वो तो है मोलर स्केल, और इसके अलावा ये भी कंसेप्ट है कि सर वान डर वाल्स इंटरेक्शन जो है वो हर एक चीज में प्रेजेंट होता है. हाँ, वान डर वाल्स नहीं है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. नहीं, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. No. तो साल्ट ब्रिज. हाँ, तो सब तो वही है. है? साल्ट ब्रिज ही आंसर है. ये नया कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द साल्ट ब्रिज? कैन यू डिफाइन? सर सब कुछ हो गया. सर साल्ट ब्रिज क्यों होगा? साल्ट ब्रिज क्या है पहले ये तो बताओ, फिर तो बताऊंगा क्या क्यों होगा. साल्ट ब्रिज में सर होता है ना, जैसे पॉजिटिवली चार्ज इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वी कैन कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. यस, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. यस सर.
इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है सर? आयनिक इंटरेक्शन, ये आयनिक है, आयनिक है, एक और है, अभी तो ये इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, साल्ट ब्रिज। मैक्सिमम बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मारेंगे, देखो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें यही पढ़ाया गया है। हाँ सर, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही सोच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पढ़ाया गया है हमें, हमें साल्ट ब्रिज के बारे में कोई बताता ही नहीं है। जबकि आप देखो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक देखोगे उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि द वेरियस वीक इंट्रैक्शंस, वेरियस वीक इंट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबल स्ट्रक्चर, किसी भी बायोमॉलिक्यूल के स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए वेरियस वीक इंट्रैक्शन, नॉट सिंगल वीक इंट्रैक्शन, द टर्म इज वेरियस। तो साल्ट ब्रिज स्पेशल ओकेजन है जिसमें कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, अगर आप उनकी स्टेबिलिटी की बात करो तो वो स्टेबलाइज ही होते हैं साल्ट ब्रिज के कारण, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ना कि आयनिक, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये कंबाइंड है मोर देन वन इंट्रैक्शन का, दैट इन्वॉल्व आयनिक एज वेल एज आप कह सकते हो वंडरवॉल, ठीक है ना? हाँ, दोनों का मिला के आयनिक, देखो यहां दिया नहीं है, अगर आयनिक देता और वंडरवॉल भी होता तो ये साल्ट ब्रिज गलत हो जाता, क्योंकि बच्चे दोनों मारते तो हमेशा याद रखो कि कोई भी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इससे मैं बता देता हूँ साल्ट ब्रिज के बारे में, मेरे पास कुछ डेटा है। साल्ट ब्रिज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, सॉरी हाइड्रोजन वंडरवॉल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस आयनिक बॉन्डिंग। और भी इंफॉर्मेशन सुन लो, आयन पेयरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कोवेलेंट फोर्सेस बायोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पढ़ाया जाता है बार बार ना, वो कहीं स्पेसिफिक होगा, जैसे वाटर के केस में होगा, राइट? वाटर के केस में होगा, डीएनए के केस में हो सकता है, बट प्रोटीन के केस में दिस इज नॉट द केस। प्रोटीन स्टेबिलिटी, कंफर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, एनाट्रॉपिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट दिस नॉन पोलर इंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्डिंग, आयन पेयर बॉन्डिंग, राइट? आयन पेयर बॉन्डिंग इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो लिखा ना, इट इज द मोस्ट, इसी कॉन्सेप्ट को तो चेंज करने में आया हूं जी सर, मैं हूं शक्तिमान तुम लोग ये रोज बोला करो, मैं कौन हूं शक्तिमान है ना, जैसे शक्तिमान तुम याद करोगे वैसे उड़ने लगोगे, बिकॉज यू आर फॉर द डिफरेंट थिंग, यू आर नॉट फॉर द जनरल थिंग। हम डिमोटिवेट होते हैं लाइफ में, वाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉमन पाथ, जिसका पाथ ही कांटों भरा है उसके लिए तो कोई चीज टफ है ही नहीं है, टफ में ही हम लोग सर्वाइव करते हैं। एंड डार्विन ने बायोलॉजिस्ट के लिए एक टर्म दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एकदम सही है हमारे बायोलॉजिस्ट के लिए। ये आफरीन और सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ, इफ यू आर नॉट द फिट, यू आर नॉट द बेस्ट, फॉरगेट द सर्वाइवल, राइट? बेस्ट कैसे बनोगे? When you know the best कैसे होगा? आपको डेप्थ में उतरना पड़ेगा कि what is the reality? You have to testify the actual knowledge. हम अगर यही concept लेके CSIR में जा रहे हैं कि hydrogen bonding is the supreme contributor in the term of stability of all biomolecules, this is the wrong. Now you know that कि in the term of energetic system, in the term of stability of the system, mostly proteins, because mostly proteins are involving in the most of the processes of biological system. So their salt bridges is very important. Salt bridges consist of hydrogen bonding and ionic bonding. And agar dono mein se ek pucha jaye to ionic bonding, or you can say ionic interaction, are most important. And they are
मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर फॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कंफर्म. ये मैंने रिसर्च आर्टिकल से निकाला लाइव लेटेस्ट, ठीक है ना. सो नॉट ओनली आर साल्ट ब्रिजेस फाउंड इन प्रोटीन्स बट दे कैन ऑल्सो फाउंड इन सुप्रा मालिकुलर केमिस्ट्री. सुप्रा मालिकुल्स के बारे में भी आ रहा है ना. तो साल्ट ब्रिजेस बनते कैसे हैं, इसके दिमाग में आपको क्वेश्चन चल रहा होगा. हाउ दी साल्ट ब्रिजेस आर गोइंग टू फॉर्म एंड विच अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली इन्वॉल्व. अगर प्रोटीन की हम बात करें तो साल्ट ब्रिजेस मोस्टली ऑफन अराइजेस फ्रॉम द एनायनिक कार्बोक्सिलेट ऑफ इधर स्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, नोट कर लो, ठीक है ना. स्पार्टिक ग्लूटामिक है ना. अभी हम बता रहे हैं कब सकते हैं, लास्ट वीक से हम इकट्ठे टेस्ट स्टार्ट करेंगे. ओके, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से विल स्टार्ट द मॉक टेस्ट. तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को पहले एब्जॉर्ब करो माइंड में, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन आते ही नहीं है. दे आर आस्किंग अबाउट मेनी थिंग्स. सो साल्ट ब्रिजेस आर फाउंड बाई एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड. वाई? बिकॉज दे आर हैविंग सम चार्जेस एंड ऑल्सो नॉट निगेटिव, पॉजिटिव अमाइनो एसिड ले लो, उसमें कौन आ जाएगा, लाइसिन, लाइसिन प्लस चार्ज होता है. ग्वानिडिनियम, आर्जिनाइन, आर्जिनाइन, ग्वानिडिनियम, राइट. सो दीज इंटरैक्शंस आर पॉसिबल बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स, राइट. एंड और इफ एनी प्रोटीन्स हैविंग आयोनाइजेबल साइड चेन्स, व्हाट इज आयोनाइजेबल साइड चेन, दैट कैन बी आयोनाइज्ड, जो आयोनाइज्ड, आयोनाइजेबल साइड चेन लाइक हिस्टिडिन. हिस्टिडिन का शॉर्ट फॉर्म बताओ, हिस्टिडिन को शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, एच, एच, यस सर, एच, टायरोसिन, वाई, वाई, सीरिन, एस, ठीक है ना. सो आज मैं हैरान हूं कि सतपथी मोटिवेटेड है लाइव क्लास में. तुम तो आते नहीं थे. व्हाट हैपेंड सर? ऐसे ही सर, ऑडियंस कर रहा सर. कभी कभी सर क्लास मतलब अपलोड हो पाता है नहीं हो पाता है तो मिस कर देता हूँ, इसीलिए थोड़ा बैठ के नेटवर्क मतलब एक सही जगह में बैठ के नेटवर्क लगा के क्लास कर रहा हूँ सर. ये अभी तो नया बैच स्टार्ट हुआ ना, तो नया बैच का सारा कुछ चेंज हो गया, तो अब कुछ अपलोड नहीं होगा उधर. अच्छा अच्छा, जितना हो गया सब फाइनल हो गया, खत्म हो गया ना पुराना बैच, इसलिए. हाँ, डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो ये इंट्रैक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द ग्लूटामिक एसिड नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल चार्ज lysine and this is the minus plus interaction. The salt bridges are electrostatic interaction. Salt bridges is a kind of electrostatic interaction, right? And this is also a kind of non-covalent, important non-covalent interaction. Okay, important non-covalent interaction. And large molecule, in large molecule, large protein molecule, this is very very important, very important. Large protein molecule. Okay. चलो equation का answer दो. In the strongest hydrogen bond. Sir, electrostatic interaction और hydrogen bond में फर्क क्या है? आ रहा हूँ stop. पहले ये आंसर देखो, क्वेश्चन देखो. इन द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अभी कल के लेक्चर में, कल के मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था, कल नवीद ही था केवल, है ना, नवीद और अंजू जी, है ना सर. कल तो आपने लिंक नहीं दिया था लिंक. अच्छा, नए ग्रुप में दिया था, पुराने ग्रुप में नहीं डाला था. ओके ओके, राइट. चलो मैं डाल दिया करो मैं दोनों में, कोई नहीं. नवीद चल बेटा, कल ही डिस्कशन हुआ था, कल बहुत ही सॉफ्ट वे में
बहुत ही बेसिक स्टार्ट करते हुए हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी. इन द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आप लोग भी ट्राई करो, द डोनर एटम, द हाइड्रोजन एटम, द एक्सेप्टर एटम, ऑल लाई इन स्टेट लाइन. अभी जो ये बात कर रहा हूँ ना आफरीन, ये पहली लाइन पढ़ो, डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम, यही है वो रीजन जो तुम पूछ रही हो, है ना, कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहे हो ना. अब ये लाइन ही देखो, तुम्हें सारे आंसर मिल रहे हैं. एक तो डोनर एटम होता है, जैसे अगर मान लो हम बात करें, चलो मैं आऊंगा बाद में लेकिन इसको ट्राई कर लो, जैसे अगर मान लो बात करें एफ एच, तो दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन अब अगर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ट्राई करेगा यहां पे अटैच करने के लिए, तो दिस विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहां पे ये डोनर हो गया और ये हो गया एक्सेप्टर. ये तो चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था. H2O का केस ले लो, उसमें क्या होता है, बी से एक मॉलिक्यूल होता है, H इज इन द सेंटर एंड देयर आर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इसमें दोनों, ये आंसर तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, या एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, या दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या होगा, क्या सीन है यहाँ पे. सर H2O होता है, H2O सेंटर में, O सेंटर में. अच्छा उल्टा हो गया है, ओके सर, दोनों कोवेलेंट. आप बताओ तो अगर दोनों कोवेलेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा. हाइड्रोजन सर जो डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो दूसरे वाले साइड से बॉन्ड करते हैं. ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो दूसरे जो आटम है उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, और जो हाइड्रोजन का जो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा. अब ये क्वेश्चन देखो कितना स्ट्रांग है. अगर बहुत सारे एग्जांपल देखो तो दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. डोनर एटम हाइड्रोजन एटम एक्सेप्टर एटम ऑल लाइन स्ट्रेट लाइन, डोनर एटम हाइड्रोजन एटम एक्सेप्टर एटम ऑल लाइन परपेंडिकुलर मैनर, डोनर एटम हाइड्रोजन एटम एक्सेप्टर एटम ऑल लाइन वी शेप मैनर, जैसे यहां पे है वाटर के केस में, एंड ऑल आर ट्रू. सर बी वाला जो केस होता है उसमें वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है तब सारे परपेंडिकुलर होते हैं, चार वाले चीज होते हैं, मतलब चारों ओर से होता है, तो उसका आंसर तो मुझे नहीं पता. फोर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो बी वाला केस में, इसलिए सारा आंसर दिया है. चलो तुम्हें एक दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ समझ में आ जाएगा. देखो ये मैं कॉन्सेप्ट यही कह रहा था, हम ज्ञान की गंगा बहाएंगे यहाँ पे, अभी देखना है, मजा आएगा तुमको पढ़ने. ये पिक्चर देखो, हाइड्रोजन डोनर नाइट्रोजन है, राइट, एंड नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, राइट. अब बगल में देखो अपोजिट सीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दिस इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ये हाइड्रोजन डोनर हो गया क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोस्टे कोवेलेंटली अटैच था एन से, ना कि ऑक्सीजन से, ठीक है ना. तो ये हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, पार्शियल जिसको बोल रहे हो, पार्शियल चार्ज, ठीक है, और हाइड्रोजन को ये पार्शियली एक्सेप्ट कर रहा है, हैविंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये एंगल कितना है, 180, ठीक है ना. तो यही आंसर है, राइट, कि 180 डिग्री पे जो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर की कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर वो लीनियर में नहीं है कोई भी एंगल बना तो वो प्रॉब्लम में होगा. उसका मैं दिखाता हूँ तुम्हें डायग्राम. तो जब भी इस तरह का डायग्राम आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, दे आर द बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज. हाँ ये देखो, देखो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन डोनर. तो ऐसे एग्जाम्पल देके देखे ना आज किस सिस्टम में, प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस लाइफ में कुछ भी नहीं, ये वाला सर, ये वाला. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो
एक्सेप्टेड डोनर का खेल हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, नथिंग एल्स, राइट. एंड ऑल्सो दिस इंटरेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मेक इट ए स्पेशल सॉल्वेंट. तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वाई वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वॉट इज द प्रॉपर्टी. तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि दे हैव द बेस्ट कैपेसिटी फॉर द हाइड्रोजन डोनेटिंग और हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, right? And all the biological macromolecules, especially DNA and proteins, all they are living in the cytosolic condition, right? And water is there especially. So these water are contributing for the hydrogen bond formation. And always hydrogen bond is created whenever there is a two relatively strong electronegative atom. If they are relatively same having electronegative atom, and the hydrogen bonding is not possible. They should be having a different electronegativity. Then only this is possible. Right? So this is hydrogen acceptor, the hydrogen donor, okay. Hydrogen donor, hydrogen acceptor, right? COO, NH, OH. You can say this is the having the angle. यहाँ पे state है, सब में state है. हाइड्रोजन एक्सेप्टर इजली ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डोनर इज अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो ये तो सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए है, बट अगर एंगल की बात करोगे एंड वेयर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गिविंग द दीज एग्जाम्पल्स कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कहाँ पे नहीं बनेगा. यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन. यहाँ पे बना हुआ बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो यहाँ पे इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है. राइट, यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है. यहाँ पे देखो बिटवीन कार्बन ग्रुप ऑफ कीटोन एंड वाटर, ये अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया एंड देन वाटर, ठीक है. तो इस तरह के इंटरेक्शन है जहाँ आपको सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मिलेंगे बट स्टिल यू कैन हैव कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. पूरी रिसर्च वाली स्लाइड मिलेगी आपको. नवीद आज खामोश है, आप शत्रुघ्न सिन्हा के बने भाई. व्हाट मेक्स यू शत्रुघ्न सिन्हा? नोट बनाते रहो, डिस्कशन करते रहो. Yes, sir. And what about the thymine and adenine? There is also formation of hydrogen bond, right? You can see this is the nitrogen, this is the nitrogen. Yes, sir. They are having the same electronegativity, still the hydrogen bonding is there because of this resonating structure, adenine and thymine, and also between the oxygen and nitrogen. यहाँ पे nitrogen nitrogen के बीच में oxygen है, that's why they are contributing to hydrogen bond between thymine and adenine. Okay, two hydrogen bond between adenine and thymine. Okay. Now you can see, this is your answer. What you can look here? Linear one is stronger rather than hydrogen bond. And this is having some angle. This is having the weaker. इससे बढ़िया proof आपको कहाँ मिला? Right? इससे सारे के question है और इस पर हम discuss कर रहे हैं. सोचो कितनी छोटी सी चीज लेकिन कितने depth में पूछी गई. सही. एक साइंटिस्ट को इतना तो आना चाहिए
दिस इज एक्सपेक्टेड. किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक. मैं बताऊं, मैं डिस्कशन कर लू, एक भी क्वेश्चन पूछ लू, आई कैन चैलेंज कि कोई भी आंसर नहीं दे सकता. उसका रीजन है कि उस लेवल में पढ़ाई नहीं होती है. Yes, sir. कल एक बच्ची आई थी डेमो के लिए, मोनिका, तुमने देखा होगा, 5 मिनट रही मुश्किल से. उसने बाद में मुझे बताया कि मैंने अकेडमी ज्वाइन किया है, वो कोचिंग ज्वाइन किया है, ये कोचिंग. उसने जैसे भगवान के लिए मन्नत मान रखी, इस मंदिर में, वहां पे, मजार में, मस्जिद में, सब जगह मन्नत मांगे. जाना कुछ भी नहीं है, पढ़ाना कुछ भी नहीं है, पढ़ना कुछ भी नहीं. ऐसे नहीं होता भाई, पढ़ना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करता है. तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स? सर एक प्रीवियस स्लाइड सर प्लीज. यस सर, क्लियर ना? अभी तो हम एक क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे, अभी तो हम एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया हमने, राइट? सो एक टर्म आता है, अभी तो टर्म बहुत सारे डिस्कशन करने हैं कि व्हेन वी यू आर डिसॉल्विंग द NaCl इन वाटर, राइट? देखो ध्यान से सुनो, व्हेन यू आर डिसॉल्विंग NaCl इन वाटर, साल्ट को पानी में घोल रहे हो, ठीक. नाउ द क्वेश्चन इज, अभी बताना है कि ये डिजॉल्व तो होगा, ठीक है ना, डिजॉल्व भी होगा, और डिजॉल्व किस क्यों होगा इसका आंसर बताना है, व्हाई दे डिजॉल्व. बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. NaCl को जो वाटर में डाला तो व्हाई दे डिजॉल्व, बिकॉज़ सर उसका जो सर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक डाउन हो जाए ना, वाटर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा. इसी मैंने ये पढ़ाया था कल, तुम क्लास में नहीं थे, नवीद क्लास में था. नवीद कैन यू स्पीक आउट, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. कल ये मैंने बताया था कि जब भी सोडियम है इसको वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, सोडियम आयन, क्लोराइड को डालोगे, हाँ बनेगा क्लोराइड आयन. तो ये जो आयोनाइज होने की कैपेसिटी है, दिस इज हेल्पफुल इन ब्रेकिंग देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. हाँ, इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन, अच्छा व्हाई द डिसॉल्व, पानी में घुला क्यों? तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में था, सॉलिड स्टेट में था, वाटर में डाला तो आयोनाइज हुआ, NaCl में बना, एंड इनका जो इंट्रैक्शन हुआ किसके साथ हुआ, H2 के साथ हुआ, ठीक ना. तो अब ये सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है और ये इंटरेक्ट कर रहा है. सोचने का तो तरीका बता रहा हूँ बस, नथिंग इज, ऑलरेडी माइट बी नोइंग. NaCl के साथ इंटरेक्शन हो रहे हैं और सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा. सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, राइट? तो इफ द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इफ द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज हाई, सबसे ज्यादा किसका होता है, वाटर का होता है, राइट? तो व्हाट इज द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है Na+Cl, इनको क्या करते हैं, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन डिजॉल्व आयन आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. तो एक तो पॉइंट डिजोल्यूशन में हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन. तो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज सल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का अगर यही डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 30 होता, अब देखो क्वेश्चन यहां से अराइज हो रहा है, दिस क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर, कि अगर इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सपोज 30 होता, वाटर नहीं होता, तो क्या दे डिजॉल्व इन द सेम कैपेसिटी, दे आर गोइंग टू डिजॉल्व इन सेम कैपेसिटी. नो, द आंसर इज नो. वाई? Because dielectric constant is one of the major criteria, right, in deciding the dissolution of any solute.
and another criteria is formation of hydrogen bond. So similarly, when we are talking about various compounds, various biomolecules that contain the carboxylic, that contain the amines, that contain the phosphate ester, anhydride, right? So biomolecule. Then what happens? They are going to form hydrogen bond. And because of high dielectric constant, they are going to develop a weak electrostatic interaction, not a strong. ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कूलम्स लॉ का अगर याद करो आप फार्मूला, तो उसमें डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू किधर है, नीचे के ऊपर है, तो उस टर्म में आपको सोचना पड़ेगा. तो दिस वाज द आंसर ऑफ टुडेज क्वेश्चन कि विच हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग. ये क्वेश्चन ये कह रहा था. व्हाट इज द डी बेटा? डी इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. So electrostatic interaction depends on charges. Salt dissolved kiya tha na, Qn Q2 directly proportional and inversely proportional to dielectric constant. Right? Inversely proportional to dielectric constant. So agar aap baat karoge two ions ki, jaise Na plus Cl ki. NaCl को अगर आप डिजॉल्व करते हो वाटर में, तो दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड बाय मिनिमम 3 एंगस्ट्रॉम, राइट? Na प्लस वाटर ऐसे सराउंड कर लेगा. क्लोराइड भी अगर आप डिजॉल्व कर रहे हो तो चारों तरफ वाटर, दिस इज हाइड्रेटेड लेयर. क्या बोलोगे इसको? हाइड्रेटेड लेयर, एक वाटर की लेयर बन जाती है. ठीक है ना, तो ये केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री will give you some idea of many interactions in the life sciences, right? So dielectric constant 80 है, right? तो इनके separation को वो क्या करेगा, 3 angstrom तक पहुंचा रहा है because of dielectric constant 80. अगर ये 80 से कम होता तो ये 3 angstrom नहीं होता, बहुत ही क्लोज होती है, less than 3 angstrom. अब ये इतना ज्यादा होता कि फिर ये सॉल्वेबल करना, इट्स इट वाज ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट. तो आई थिंक दिस इज नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि हाउ द NaCl इज गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, थोड़ा रुकिए सर, मैं लिख रहा हूं. सो वेलकम मधुमिता, आई थिंक यू आर लिटिल बिट लेट, बट हम बता देते हैं कि क्या हम डिस्कशन कर रहे थे. आपको समझ आया बेटा कुछ? मोमिता, सॉरी मोमिता, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? एक मिनट, बहुत सारी चीजें होती है. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली कि हाउ a salt can be dissolved in the water. Good. तो ये इस हिसाब से बहुत परफेक्ट डाटा है कि कितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कितना डिस्टेंस बनेगा और फार्मूला कौन सा लगेगा. तो ये सारा भी पूछा गया है सेशन में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सारा क्वेश्चन अभी बता दूं, वो मॉक टेस्ट में आएंगे आपको. Okay.
नोट कर लिया, चले आगे। यस सो ये देख लो, रिवर्सिबल इंटरेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर मेडिएटेड बाय ऑलमोस्ट थ्री काइंड ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाटर होल इंटरेक्शन। तो अगर कोई पूछता है तो ये तीन आंसर होने चाहिए बस, नॉट वन, एंड ऑल दीज आर रिवर्सिबल इंटरेक्शन, राइट। तो विदाउट थ्री काइंड ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन यू कैन नॉट से एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन द बायोमोलिक्यूल, राइट। दीज आर कॉल्ड एज द वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। इफ यू want to see some example, the best example is DNA replication. अब DNA replication क्या होता है, और भी लोग DNA, then it's open and the new strand is going to build up. Okay, so this faithful replication totally depend on recognition pattern, right? Recognition pattern of enzyme. Enzyme is DNA polymerase, right? DNA polymerase. Substrate is DNA. So this recognition, it depends on three type of interaction. This recognition beta depends on three type of interaction: electrostatic, hydrogen bond, and van der Waal interaction. Right? Clear? Okay. And also, any signal transduction. Signal transduction depends on such kind of interaction, called as the weak interaction. So not only weak interactions, but also there is a covalent interaction sometime in the biological interactions, right? Okay, stability to aapko milegi covalency. बाकी वीक इंटरेक्शन विल गिव यू द थ्री डायमेंशनल फ्रेमवर्क, एंड दिस थ्री डायमेंशनल फ्रेमवर्क स्टेबिलिटी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंटीग्रिटी। इफ दे आर गोइंग टू बी डैमेज बिफोर द बाइंडिंग एट द साइट, दैट फेथफुल रेप्लिकेशन टर्म यू कैन नॉट यूज, राइट, बिकॉज एंजाइम इज डैमेज, एंजाइम फ्रेमवर्क वॉज डैमेज, एंड दैट फ्रेमवर्क वॉज मैनेज्ड बाई three type of non-covalent interactions. Okay. So, this is the question. अभी तो और भी क्वेश्चन है, बताओ which one of the following, इसका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट को हम कैसे, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, वो तो समझ आ गया। तो ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का एक्चुअल में डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिसॉल्व सम सॉल्यूट इन द वाटर, राइट, सो दिस इज द इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन देयर बॉन्डिंग, राइट। तो जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, जैसे किसी चीज को जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो यू आर गोइंग टू हैव सम कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से पता चला कि यही डिसाइड करता है कि कितना डिस्टेंस उनके मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, कोई फॉर्मूला है मेरे। हाँ ये, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम बियरिंग सिंगल opposite charge separated by 3 angstrom in water, which has a dielectric constant of 80, has an energy of 1.4 kilocalorie per mole, right? ये चीज होती है, बस समझ गए। ये तो 12th 11th 12th में ही पढ़ा दिया गया था, कूलम्स लॉ।
टेंथ में अब तो पढ़ाया जाने लगा है ना। तो इसीलिए जिसका ट्वेल्थ वीक होता है ना, ज्यादा बच्चे बायोलॉजी में वही स्ट्रगल करते हैं, जिसका अलेवेंथ ट्वेल्थ गड़बड़ हुआ है, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री। बायो नहीं गड़बड़ा है, बायो नहीं गड़बड़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके, क्लियर? आगे पे चलें। yes. कल का क्लास किया होता ना, उसे वीडियो देख लेना, वीडियो मिल गया है? नहीं सर। ये वीडियो कर, आपको नहीं मिला होगा। आफरी, तुमने देखा वीडियो? हाँ ये सर मिल गया सर। हाँ उसको पहले पूरा मिल गया नहीं, देखना है उसको पूरा ध्यान से देखो, बहुत ही बेसिक लग रहा है बट बहुत एडवांस में कल पढ़ाई हुई थी। चलो ये क्वेश्चन का जवाब घर से ढूंढ के लाना। Which one of the following bases the largest hydrogen bonding possible? जबकि आपको पता है guanine और cytosine के बीच में 3 bonding होती है, right? Cytosine बीच में correct हो सकता है और guanine भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन हमें reason चाहिए, हमें answer नहीं चाहिए कि ये है B, ये है C, ये है D, वो तो गलत भी हो सकता है, पर हमें perfect reason चाहिए। जैसे salt bridge के मैंने बताया, आपको doubt clear हो गया ना? क्या भाई साल्ट ब्रिज है ना कि वंडर वाल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वैसे तो आप करते हो सर, गुआनिन जो है वो क्वाड्रप्लेक्स नहीं, कल बताना है, कल बताना, आज नहीं बताना, पहले रिसर्च करके आओ भी डेटा, गेस करना नहीं। चलो एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर नवीद देगा। कल जिसने क्लास किया था उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब इनाम मिलेगा। चलो नवीद ट्राई दिस क्वेश्चन। Which of the following non-coupled interaction between two non-bonded atoms A and B is most sensitive to the distance between them? आज अंजू चली गई, problem है अंजू, focus नहीं हो पाती। चलो तो कल का कोई test है, बता रहे। अच्छा अच्छा, तो life में तो सब कुछ चलता रहेगा। और देखो मुझे क्या, इस समय UGC की inspection है, इसमें इतना काम मिला होता है कि पूछूंगा, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए रिसर्च करके आता हूँ, ठीक है ना? अक्षिका का भी तो टेस्ट है सर। हाँ इस समय तो एग्जाम टाइम चल रहा है, हमारे यहाँ भी एग्जाम टाइम चल रहा है, डेली एग्जाम है। चलो नॉन कोर इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ए एंड बी इज मोस्ट सेंसिटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया है, तो मे बी यू ट्राई टू सॉल्व। एन बी आर परमानेंट डाइपोल एंड आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एन बी फुल्ली अनाइज एंड आर इन्वॉल्व इन साल्ट ब्रिज फॉर्मेशन। एन बी आर अनचार्ज एंड रिपेल ईच अदर। एन बी आर अनचार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोलोगे? सर ए वाला क्यों? अभी आपने बोला कि मतलब जो डाइलेट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब जो इंटरैक्शन होता है, तो बी वाले के लिए बोला था ना, ए वाले में क्या बिड़ा दिया? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बोलो, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए बोला था ना कि डिसॉल्व करते हैं जी सर। इसका क्या आंसर होगा? ओह सॉरी। चलो एक ये भी क्वेश्चन देख लो। विच पेप्टाइड बॉन्ड मार्क एज ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो, सेम चीजों को
जो आपने कॉन्सेप्ट में किया है हाउ टू अप्लाई, यू सुन लो. This peptide bond mark will be broken when the following oligopeptide is treated with trypsin at PSA. ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सीधे जवाब दे सकते हो. राइट, तीन मिनट में क्वेश्चन देना होता है, क्वेश्चन का आंसर यह है ओनली. तीन मिनट नहीं, दो मिनट अप्रॉक्सिमेट फॉर ए क्वेश्चन, इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है कुछ इसे. ठीक है, चलो ये भी कल दौड़ के लाना है. बी आंसर बी है, नहीं विजय पार्मेन ड्रग्स. सर एक मिनट से, मेरा कल रिसर्च कर लेना. अच्छा, एक बार गलत कर दिया पहली शॉट में तो फिर उसको दोबारा कंसीडर मत करो, नेगेटिव चला गया, बेस करने का कोई फायदा नहीं. सर नहीं सर, ट्रिप्सिन कट करता है लाइसिन और आर्जिनिन पे के बाद में जो. हाँ, लाइसिन आर्जिन पे कट करता है, यही आंसर है, यही आंसर है डी. ठीक है, चलो ये वाले कंसेप्ट. फॉलोइंग इंटरेक्शन पे मेजर रोल स्टेबलाइजिंग पीडीएल है, मैं पहले से बोलता हूँ जो तुम बोलोगे गलत होगा. सर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. पक्का सर? 110%. यही है, ठीक है ना. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, यहीं से स्टार्ट किया था. तो अब आते हैं रियल चैप्टर पे, अभी तो रियल पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया. लेकिन काफी कुछ कवर कर दिया उसी क्वेश्चन के चक्कर में, है ना. देखो काफी स्लाइड कवर हो गई. सो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच इज लॉन्गर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. तो लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड इज लॉन्गर देन लेंथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड. डिस्टेंस भी पूछ सकता है, राइट, डिस्टेंस कितना है. तो हाइड्रोजन भी कितना होना चाहिए, 3.4 to 3.5 कोवेलेंट का होगा 1.5 to 2.6 एंगस्ट्रॉम. तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड मच वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, लेंथ ज्यादा होने से स्ट्रेंथ कम, स्ट्रेंथ कम इनवर्सली. सर जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किसे बी का बी डीएनए के लिए स्टेबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं मुझे पता नहीं चल. वो अभी टॉपिक नहीं है, टॉपिक डिस्कशन बायोमॉलिक्यूल जब आएगा ना जिसमें पढ़ाएगा, न्यूक्लिक एसिड आएगा, अलग अलग आएगा सारे बायोमॉलिक्यूल्स का. अभी तो ये सिर्फ इंटरेक्शन की बात हो रही है, अभी तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जा ही नहीं रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे हैं. राइट, सो वंडरवॉल इंटरेक्शन, व्हाट इज वंडरवॉल इंटरेक्शन, ये तुम्हारी क्वेरी होगी कि क्या होता है एग्जैक्टली, क्या है. दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और समथिंग एल्स. तो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस है, एग्जैक्टली अगर देखोगे तो वंडरवॉल दिस इज ए डिस्टेंस. तो देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, सिमेट्री एंड एसिमेट्री, सिमेट्री एंड एसिमेट्री इन द टर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, एसिमेट्री एक ही ऐसे मैंने दो लगा दी, एसिमेट्री, ठीक है ना. तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तो ये आइडिया हो सकता है,
and there may be asymmetrical charge distribution, okay, during the electrostatic interaction, right? So then this term arises if they are close or if they are far away. So this distance is called as van der Waal distance. Van der Waal distance. Yeah. The shorter distance is strong repulsive forces. Right? Shorter distance, strong repulsive forces. और जितना दूर होगा उतना कम फोर्स होगा, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअल में वंडर वॉल इंटरेक्शन राइज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इस कलर का इलेक्ट्रॉन पूरा मेरा बोर्ड भर जाता है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना, आप लोग भी कभी प्रोफेसर बनोगे तो आपको याद आएगा कि हाउ टू टीच सिस्टमैटिकली, है ना? सिस्टमैटिक पढ़ाना किसको कहते हैं? ब्रेन से ब्रेन का इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना? मैटर काउंट नहीं करता कि यहाँ पे क्या मैटर दे रहे हो, मैटर ये काउंट करता है कि हम कितना आपके ब्रेन से कनेक्ट कर पा रहे हैं और कितने अच्छे से हर चीज को क्लियर कर पा रहे हैं. दैट इज द मेजर पॉइंट. दिस इज द वान डर वाल इंटरेक्शन, राइट? So this occurs between the atoms, not charges. ध्यान रखना, occurs between the atoms. Energy associated with van der Waal interaction are quite very small. ये नोट कर लो, 0.5 to 1 kilocalorie per mole or 2 to 4 calorie per mole per atom pair. So ये graph अक्सर पूछा जाता है सर, right? What is depicts? क्या ये depict करता है? एक्चुअली डिपेंड करता है इंट्रैक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, राइट? इंट्रैक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. तो ये देखो डिस्टेंस, ये वान डर वाल का कॉन्टैक्ट डिस्टेंस है जिसमें ये क्लाउड इंट्रैक्ट कर रहा है या कर सकते हैं. और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, राइट? उतना वान डर वाल इंटरेक्शन ए फोर्स कम होगा. तो इफ आई एम सेइंग कि वान डर वाल इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट? वान डर वाल में होता क्या है? तो देयर आर टू एटम्स, चार्ज एटम, ठीक है ये सही. चार्ज एटम ए, चार्ज एटम बी, ठीक, क्लियर? तो अब देखो इनकी क्लाउड होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना? तो क्लाउड में दो कंडीशन होती है, एक तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल, और एक होता है एसिमेट्रिकल, ठीक है ना? तो एक्चुअल में दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, चाहे वो इंड्यूस करके हो या परमानेंट हो, राइट? इंड्यूस करके होगा तो इंड्यूस डाइपोल, परमानेंट है तो मल्टीपोल्स, परमानेंट पोल्स, जो भी कहने का है, राइट? तो वान डर वाल फोर्सेस क्लासिफिकेशन जो होता है वान डर वाल फोर्सेस के रूप में, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस. अगर एक मिनिमम डिस्टेंस है तो देन वान डर वाल फोर्स इज ऑपरेटिव. अगर इससे ज्यादा दूर है, जो कि ग्राफ में दिख रहा था ऐसे, तो ये वाला जो सेंटर में डिस्टेंस है, पहला वाला ग्राफ देखो, जो सेंटर में है, दिस इज द वान डर वाल कॉन्टैक्ट डिस्टेंस मिड में. इसके बाद अगर दूर हो जाता है देन अट्रैक्शन, और अगर ज्यादा क्लोज में है तो रिपल्शन. ऐसे समझ लो हस्बैंड वाइफ, बहुत ज्यादा जब क्लोज में रहता है तो बड़ी लड़ाई होती है, कोई दो दोस्त, है ना? या
बहुत कोई भी बहुत ही ऐसा रिश्ता जो बहुत ही क्लोज हो उसमें मारपीट होना तय है, बिकॉज एक मिनिमम डिस्टेंस है, इसके बाद रिपल्सन स्टार्ट होता है। थोड़ा सा डिस्टेंस अगर मेंटेन है मॉलिक्यूल्स और एटम्स के चार्ज के बीच में, क्लाउड के बीच में, देन ओनली द इंट्रैक्शन ऑपरेटिव। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस कब डोमिनेंट हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कब ऑपरेटिव हो रहा है, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द वन डर वॉल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ द चार्ज एटम नेबरिंग एटम, चार्ज ओवर द नेबरिंग एटम, ठीक है ना। तो एक तरह से बॉन्ड नहीं है, एक तरह से हाइपोथेटिकल बॉन्ड है जिसको वन डर वॉल कॉन्टैक्ट कर रहे हो, राइट, वो वन डर वॉल कॉन्टैक्ट कर रहे हो। दिस डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्लाउड बिटवीन द टू एटम्स आर चार्ज एटम्स, राइट। तो एटम पेयर्स के बीच में ये आएगा, नेट इफेक्ट जो होगा दैट मे बी कैलकुलेटेड ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज ओवर द एटम्स, क्लियर। वंडरफुल फोर्सेस में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसमें तो हैलोजन बॉन्डिंग भी आती है, हैलोजन बॉन्डिंग जानते हो। तो ये दोनों एटम्स भी ऐसा काम करते हैं कि सर एक केस में दोनों एटम का चार्ज सेम है तो ऐसा रिपल्शन, एंड दूसरे केस में अट्रैक्शन है तो दोनों एटम्स नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं चार्ज सेम और डिफरेंट की बात मैंने नहीं करी। अच्छा, वैसे एक्ट कर रहा सर, मैंने बात करी कि अगर चार्ज मॉलिक्यूल है, राइट, चार्ज मॉलिक्यूल है एंड इफ दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर तो अट्रैक्शन, और बहुत क्लोज में है तो रिपल्सिव फोर्सेस। तो दिस बोथ आर कॉल्ड एज द वंडरवॉल फोर्सेस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। हाँ, ऑब्वियसली इसमें रिपल्सन और जैसे कहते हो रिपल्सन नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन ही होगा, है ना। लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन क्यों होगा, ये भी तो आंसर है। तो ये डिपेंड करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे, राइट। एंड दिस वाज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट डाइपोल में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल, और इस तरह की फोर्सेज जो होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में दे आर कॉल्ड एज द डिवाइड फोर्स, और sometime induced dipole dipole interaction are also called as London dispersion force। ये भी CSIR में question पूछा होता है कि London dispersion force क्या होता है, ठीक है ना। तो कई लोग London ही पहुंच गए थे इसका जवाब ढूंढने के लिए। तो that is not dipole dipole interaction क्या है, अब इसको समझा देते हैं आपको example के साथ। dipole dipole interaction this is also a kind of electrostatic interaction, right। तो their interaction is kind of aligning the molecule, you can see here acetone 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 dono molecule same hai different hai same hai, right, lekin in interaction ho rahi hai, interaction ho rahi to net dipole ban raha hai, kyun net dipole ban raha hai, it depend on the partial negative partial positive charges, theek hai, partial negative partial positive charge acetone acetone interaction, right, these interaction tend to align the molecule to increase attraction and its potential energy, now the dipoles are associated with electronegative atoms including oxygen nitrogen sulfur and fluorine, okay, same water ke jaisa sir, ha dipole dipole interaction। So acetone, the active ingredient in some nail polish remover, has net dipole। ये nail polish remover का बड़ा अच्छा example है, इसको आप याद कर लो, right? Nail polish remover कैसे nail polish को remove करता है, this is the answer। So has a net dipole associated with the carbonyl, since oxygen is more electronegative than the carbon that is currently bonded to it, electron associated with that bond will be closer to oxygen than the carbon, creating partial negative charge and partial positive charge, so there are not full charges because the electron are still shared through the covalent bond between oxygen and carbon, if the electron were no longer being shared then the oxygen carbon bond would be an electrostatic। तो ये चीज समझ में आ गई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन,
induce dipole. They are very also very important. London dispersion force already I have discussed. Hexane, देखो कल बात कर रहे थे पोलर एंड नॉन पोलर इंटरेक्शन. लाइफ डिजॉल्व लाइफ चोर चोर मोसेरा भाई. जिसका जैसा ब्रेन होगा वैसा टीचर पसंद करेगा. ऐसे भी कह सकते हो राइट. जिसको ब्रेन वीक होगा तो वो अपना अनअकेडमी वगैरह सब चूज कर लेगा. जिसका अच्छा ब्रेन होगा तो वो मेरिट लाइफ साइंसेज चूज करेगा. क्योंकि इतना लेवल होना चाहिए ना. हेक्सेन हेक्सेन फॉर एग्जांपल नॉन पोलर है कि पोलर बताओ. दिस इज ए नॉन पोलर बट ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है राइट. बट स्टिल अगर देखो तो हेक्सेन में क्या है ये लिक्विड करता है. लिक्विड होता है तो लिक्विड कैसे होता है भाई. इसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस होंगी तभी ना. तो ये लिक्विड है बिकॉज ऑफ लंदन फोर्सेस इंड्यूस बाय लंदन फोर्सेस. हम इनडायरेक्टली कहते हैं बट इसमें क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है. द हेक्सान हैज कैपेबिलिटी टू पोलराइज नेबरिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड. दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल. दे इंड्यूस और पोलराइज नेबरिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है. ओके. These are very weak interaction, but still they are very having the important effects. Now hydrophobic effect. इसी की बात कर रहे थे कि क्या इसका रोल है बायोमॉलिक्यूल के stability. What is hydrophobic effect? First thing we should know कि ये तो non-polar में NP-NP interaction. NP-NP interaction. And in the water. The water में आपने डाला तो ये नॉन पोलर इंट्रैक्शन है अगेंस्ट द वाटर या वाटर के हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक फोबिक मींस हेटिंग. लवर्स होते हैं उनको कहते हैं फिलिक. फिलिक मींस लवर्स. फोबिक मींस हेट करना. वाटर से हेट करते हैं. कुछ लोग आदमी को देख के हेट करते हैं. आदमी आदमी से देख के हेट करते हैं. जहर बोलते हैं. उत्पटांग बोलेंगे. पॉइजनस बोलेंगे. वो देख के किसको खुश होते हैं जानवर को. है ना. पता नहीं जानवर से भी खुश होते हैं कि नहीं बट आदमी देख के काटने को दौड़ते हैं. देयर आर सम पीपल उनका नेचर ही होता है नॉन पोलर. नॉन पोलर इंटरेक्शन दे बिहेव लाइक हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग. ठीक है. तो हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग क्या करते हैं. अब ये जैसे वाटर मिलेगा तो डिजॉल्व तो हो नहीं सकते. अब क्या करेंगे दे विल ट्राई टू फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर. ध्यान देना मैंने क्या बोला. दिस इज ए केज लाइक स्ट्रक्चर. केजिंग है. तो दिस इज कॉल्ड द एग्रीगेशन. केजिंग और एग्रीगेशन टू सेपरेट द वॉटर. सेपरेट द वॉटर. वॉटर से अभी जाने के लिए. वॉटर से अभी जाने के लिए. ठीक है. तो वाई दे आर डूइंग सो टू मिनिमाइज द सर्फेस एरिया. टू मिनिमाइज सर्फेस एरिया ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू पोलर वॉटर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू polar molecules. Okay, so what we can say
क्या ये सत्य है कि वाटर में अगर नॉन पोलर दो मॉलिक्यूल डाल दें, देखो क्वेश्चन, देयर आर एनपी वन एंड एनपी टू, अगर वाटर में डाल दें तो एग्जैक्टली क्या होगा? तो दो चीजें होंगी, एक तो क्या बनेगा एग्रीगेट, और दूसरा एग्जैक्टली क्या होगा, ये एग्रीगेट डिजॉल्व होंगे, या कह लो ये एग्रीगेट वाटर के फोर्सेस के कारण है ना, दे टेंड टू डिजॉल्व और ट्राई टू एडहियर वन एनदर, एडहियर विद वन एनदर. The non-polar molecule do not contain ions, possesses a dipole moment or become additive. Because such molecules are insoluble or almost insoluble in water, they are said to be hydro-water pairing. ठीक है, तो ये जिंदगी का सच है कि आपको मैक्सिमम लोग कौन लोग घेर के रहेंगे, जो आपसे घृणा करते हैं. ठीक है ना, दिस इज ट्रूथ ऑफ द लाइफ. Max, you are surrounded by the maximum of those people which are full of hatreds, right? But they have very good one thing. आपको वो हमेशा motivate करेंगे अच्छा करो, है ना, हमेशा आपको challenge करेंगे, हमेशा याद दिलाएंगे, गालियां दे देके, है ना. ये देखो caging structure कैसे बनती है, इसका thermodynamics concept है, बड़ा अच्छा concept है, वो अभी नहीं हम डिस्कस करने वाले हैं, बट लिटिल बिट आई विल डिस्कस. अब ये देखो क्या होती है बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल थिंग्स. लिविंग क्लस्टर ऑफ एस टू मॉलिक्यूल इन द बल्क फेज, हाईली ऑर्डर एस टू मॉलिक्यूल फॉर्म केजेस अराउंड हाइड्रोफोबिक एल्किल चेन, हाइड्रोफिलिक एट ग्रुप. ओके, तो द फोर्सेस दैट कॉज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल और नॉन पोलर पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल टू एग्रीगेट टुगेदर रादर देन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. And they are going to form a rigid case of, ये पूछा गया है CSIR में, rigid case किस चीज का बनता है, hydrogen bonded molecule around it. क्यों बनता है? Because non-polar molecule cannot form hydrogen bond with water molecule, it distort the water structure. ठीक है ना, ये water की structure को ही break कर देते हैं, इसलिए flickering cluster H2 molecule के बनते हैं. And that's why जो case होती है, केज इज सराउंडेड बाई दिस फ्लिकर्ड क्लस्टर ऑफ वॉटर मालिक्यूल, वी आर सेइंग एज अ रिजिड केज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मालिक्यूल. यानी जैसे हम पैकिंग करते हैं किसी चीज सामान को, पैक करके अगर उसको रबर से बांध दे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह का काम कर रहा है, वो रबर का काम कर रहा है. अगर किसी चीज को हम पैक कर रहे हैं रबर से बांध दे, तो ये ये पूछा हुआ है. फिर से ऐसा क्वेश्चन, अभी मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास कि ये जो सिचुएशन है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. एनर्जेटिकली दिस इज अनफेवरेबल बिकॉज दे आर डिक्रीजिंग द रैंडमनेस, एग्रीगेशन बढ़ा रहे हैं ना. पहले क्या था, ऐसे था, अब कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, एग्रीगेशन बढ़ा रहे हैं. तो अगर इधर होता तो फेवरेबल होता, डेल्टा जी निगेटिव, इधर जा रहा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव. एंट्रोपी रैंडमनेस से एग्रीगेशन बना हो रहा है, तो दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन. एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, बोलो, डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, ये सब नोट करने वाली बात है. डेल्टा एस इज कॉल्ड एज एंट्रोपी, दिस इज नेगेटिव. डेल्टा एस इज नेगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव, हमेशा याद रखना, उल्टा होता है. डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव. समझ में आया बेटा? अच्छा ये बताओ, रियली बताओ, कितना स्लाइड को पॉइंट दोगे आउट ऑफ 10? 10. ओके, मेरा भी 10. नवीद आपका? ओके, तो थैंक यू सो मच. इससे लगता है कि मैंने एकदम एग्जैक्टली वो काम किया है जो आपको पसंद आएगा, या जो आपको लगेगा कि रियली दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी. सर मैं है? सर मैं सब पीडीएफ किसे पाऊं, मतलब ये जो स्लाइड वगैरह है, मैं तो नहीं हूं ना, मतलब उस जो नया वाला जो ग्रुप है.
तुम अपना फुल पेमेंट कर दो तो मैं डाल दूंगा। मैं तुम्हें एक, चलो मजाक में बता ही देता हूँ, मैंने कभी जो नई पॉलिसी बनाई है उसको शेयर भी किया था न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो एनटीए स्कोर जिनका ग्रेटर देन 70 है उनके लिए सिर्फ 5000 में कंप्लीट कोर्स है नए बैच का, तो आपने जितना भी दिया है उसको प्लस कर देना, इसमें टोटल 5000 होना चाहिए राइट। और बाकी जो न्यू मेंबर्स हैं जो जिन्होंने अभी तक एनरोल कर लिया है जैसे नवीद को मैंने ये चीजें ऑफर करी हैं 11000 में, सॉरी 2500 पर मंथ में, और जो वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं उनको 11000 प्लस टैक्सेस 18%, ठीक है 20% मान लो तो वो करीब हो जाता है 12000 के आसपास राइट। तो ऑलमोस्ट ये जो यूनिफॉर्मिटी है वो है, बाकी एक बार आपको देना है, ये भी रूल में है कि ओनली वन टाइम आपको पेमेंट करनी है, वन टाइम मतलब जो भी फीस है अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो बाकी आप जितने भी बैचेज चलेंगे जो भी मर्जी आए पढ़ो, जब मर्जी आए पढ़ो, आपको हर बार आपको पेमेंट नहीं करना है। जैसे आपने पिछले बैच में एनरोल किया था तो तब भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और टोटल 5000 जहां कंप्लीट हो जाएगा तो यू कैन कंटिन्यू वन ईयर टू ईयर जितना मर्जी, वैसे इतना भगवान करे ना जाए जल्दी से सिलेक्शन हो जाए राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आई एम ऑलवेज विद यू पीपल, मेरा एक इंटरेक्शन होता है ना स्टूडेंट के साथ, कि वो इंटरेक्शन यही है कि हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, वो लाइफ टाइम आपको हमेशा गाइड करूंगा। एक अच्छा साइंटिस्ट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे देश में आए, मैं कितने दिन रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता, बट आप लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे है ना, तो आपके साथ मैं रहूंगा, तो ये चेन चलती जाएगी। आप भी अगर ये वैल्यूज लेके जाओगे तो कभी आप भी अच्छे साइंटिस्ट बनाओगे। तो हर बंदा अगर जितना हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं अगर ये कमिटमेंट होती है तो केवल आप लाइफ में सफल ही नहीं होंगे बहुत आगे जाओगे। दिस इज क्योंकि चाणक्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बने थे लेकिन उन्होंने ऐसा स्टूडेंट पैदा किया जो कि पूरे अखंड भारत को यहाँ से लेकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बर्मा, रंगून सारा पूरा वर्ल्ड ही जीत लिया था। तो ऐसा यूनिक स्टूडेंट तभी मिलता है जब आपको अच्छा गुरु मिले है ना। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्री एनर्जी कैलकुलेशन, यही मैं बात कर रहा था कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो डेल्टा जी इज निगेटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव डेल्टा सॉरी डेल्टा एस के बारे में बात करो, इफ डेल्टा एस इज निगेटिव तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव, क्योंकि माइनस है ना ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन। यानी डेल्टा इज नेगेटिव मतलब रैंडम टू एग्रीगेट उल्टा है, और डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव मींस एग्रीगेट टू, जैसे चीनी को डिजॉल्व किया पानी में तो ये रैंडमनेस बढ़ गई है ना। तो दिस इज द एंड ये सेल ऑर्डर सेल प्रॉपर्टी जो होती है दे आर गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट। तो ये देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल इज इन सॉल्यूशन एग्रीगेट स्टेट विद लोअर एनर्जी, नॉन एग्रीगेट स्टेट विद हायर एनर्जी। तो ये कब आपको काम आएगा ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब आप ड्रग डिजाइन करोगे फिर आपको ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगी। चलो तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कंसिडर एज वन सारा हो गया, इट इज ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड नॉट ए स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है नोट कर लो राइट, कि हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इज नॉट एन ए नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन रादर देन दिस इज अ टोटली फंक्शन ऑफ एनट्रोपी, जहां की एग्रीगेशन हो रही। तो यहाँ पे इसीलिए पूछा जाता है SSR में डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बोलो पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव होगा ना, तभी तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो अनफेवरेबल होगा, एग्रीगेशन होगा ना, एग्रीगेशन। यही से सर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोच लो कितने लोगों ने सही जवाब दिया होगा, जब आपको सामने पढ़ा रहा हूँ गलत कर रहे हो तो वहां पे क्या हुआ होगा। जैसे जैसे स्टेट चेंज होगा एंट्रोपी तो बढ़ेगा, जैसा अगर गैसीय स्टेट में तो एंट्रोपी बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, उल्टा ये है ना, ये तो कंडीशन हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इज अपोजिट। हां सर वो ध्यान, फिर ध्यान ऐसे ही देना ना, ध्यान ऐसे ही देना बेटा, ठीक है चलो।
वाटर का ओवरऑल इंटरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो दिस इज वन टर्म दैट कैन आस्क। तो ज्यादातर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन घटेगा, ऐसे पूछ सकते हैं क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। तो दिस इज वीकेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी घटेगा या बढ़ेगा, ये भी वीकेंस दे रहा है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल बाय कंप्यूटिंग देयर इंटरेक्शन। तो जैसे वाटर में डालोगे वैसे ही ये डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिक्रीज होगी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी डिक्रीज होगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक पूरा हॉलीडे होने जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम 12 to 17 दिस विल बी ऑफिशियल हॉलीडे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी थोड़ा घर जा रहा हूँ, राइट, तो ये बाद में कंपनसेट करेंगे ये वाले लेक्चर कभी भी, अभी तो ये हॉलीडे रहेंगे 12 से 17, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर बन नहीं पाएंगे, मैं ऑफिशियली है ना डिस्टर्ब ही रहूंगा इधर उधर, तो अच्छा पढ़ाना एक मेरा क्रेजीनेस है, खराब नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है ना। चलो एक वीक का हॉलीडे ले लेते हैं, तो उसमें आप भी थोड़ा रिवीजन करोगे, पढ़ाई करोगे, बाकी सारी एक्टिविटीज करोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिवीजन इज द बेस्ट पार्ट, है ना, तो वो करना, मॉक टेस्ट अगर बनेगा तो मैं डाल दिया करूँगा, डिमांड ऑन डिमांड है, जो मॉक टेस्ट डिमांड करोगे वो रेडी है, तो वो डाल दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा नोट कर लो, कभी ये नहीं याद रखना कि इफ यू आर डिजॉल्विंग सम है ना मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल्स इन द वाटर, सो ओवरऑल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑन द वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन विल बी डिक्रीजिंग, राइट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, जिसको चाहिए होगा उसको मैं दे दूंगा, लेकिन ये डायग्राम इज सफिशियंट, दिस इज द वाटर यू कैन सी एंड दे आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस वाटर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाटर है, फिर ये रिजॉल्व किया है ना, तो ये थोड़ा सा ये देखो एमाइड बॉन्ड यहाँ पे रिप्लेस हो गया है वाटर से। वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, बट बैड सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, अगर इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं होता तो ये शायद इतना यूनिवर्सल सॉल्वेंट या बेस्ट सॉल्वेंट नहीं हो पाता है, ओके, सो दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इफ यू आर डिजॉल्विंग डीएनए इन द वॉटर, तो डीएनए और आरएनए और प्रोटीन के टर्म में वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, strong hydrogen bond between CO group and NH group form only if water is excluded, if they are included then there will be weak interaction, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। तो अब तुम पूछ रही थी आप रही ना, what do you mean by the dielectric constant, dielectric constant means अगर Qn Q2 है दो चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो अगर कोई स्ट्रेंथ इनकी x है, ठीक है ना, समझ रहे हो, सपोज इनके बीच में जो भी चार्जेज हैं बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेंथ इज एक्स, तो अगर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 होता तो इसकी स्ट्रेंथ एक्स होती, राइट, अब क्या है, अब अगर ये 80 है तो चूंकि 1/80 है तो ये स्ट्रेंथ कितने टाइम बढ़ गई, 80 टाइम्स, तो उसकी स्ट्रेंथ को कितना वीक कर सकता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जितना कम होगा उतना मुश्किल होगा इस बॉन्ड को वीक करना, ठीक है जी, क्लियर, यस सर, सो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज रियली हाई बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी कैपेसिटी फॉर्म रिलेटेड सॉल्वेंट सेल ध्यान रखना अराउंड आयन, यही बात कर रहा था मैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ, जब ये आप मेम्ब्रेन की बात करते हो, चैनल प्रोटीन की बात करते हो, है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चैनल प्रोटीन, यहां पे आपको वो सपोज
सोडियम को पास कराना है, कैल्शियम को पास कराना। आपने कई इवेंट में देखा होगा सोडियम मस्ट क्रॉस आउट, है ना, बट ये तो सराउंडेड बाय वाटर है, तो दिस वाटर शुड बी रिमूव बिफोर क्रॉसिंग बाय द चैनल प्रोटीन। तो ये कैसे क्रॉस होगा, तो ये सेल इसी को कह रहे हैं सॉल्वेंट सेल। तो ये सॉल्वेंट सेल तो बनता ही है, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट सेल अराउंड, जैसे मैग्नीशियम के अराउंड में आपको तो बनेगा, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, जैसे ये मैग्नीशियम है ना, सिक्स वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैग्नीशियम मान लीजिए साइटोसोलिक में, तो देयर बी सिक्स वाटर मॉलिक्यूल, दे आर होल्डिंग टाइटली इन प्लेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस on the ion and partial negative charges on the oxygen of each water molecule. बस मिल रहा है। Okay. The aqueous solution is cell of water molecule form. That's what I mean to say. Cell of water molecule going to तो आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल व्हेन दे पास थ्रू नैरो प्रोटीन चैनल्स इन द मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल आयनिक मूवमेंट थ्रू मेम्ब्रेन आर एसेंशियल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस एंड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो वहां पे ये बात आती है सेल की, हाउ दे आर गोइंग टू पास। So most ionic compounds are quite soluble in water because large amount of energy is released when ion tightly bound to water molecule. This known as the energy of hydration. So energy, देखो ये exactly जो term बोल रहा हूँ ध्यान रखना, इसका वो order पूछ सकते हैं by giving the different molecules. Okay? जैसे magnesium दे दिया, sodium दे दिया, calcium दे दिया, potassium दे दिया, है ना? तो बताओ इसमें किसका energy of hydration ज़्यादा होगा? बताओ बेटा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल तो मैग्नीशियम है, छह, ठीक। जितना ज्यादा ये वाटर को बाइंड करेगा, मतलब मोर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बाइंड, मोर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बाइंड, मोर विल बी एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, मोर विल बी एनर्जी ऑफ। क्लियर है बेटा? यही आयन मस्ट लूज देयर सेल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू पास थ्रू आयन चैनल प्रोटीन्स कैन सेलेक्टिवली एडमिट ओनली सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। तो ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रेशन, जितना कम मॉलिक्यूल होगा तो इजिली वो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, जितना ज्यादा होगा फिर उतना, है ना? तो Salt like sodium chloride dissolve in water because the energy of hydration is greater than lattice energy that stabilizes the crystal structure. In contrast, certain salts such as calcium phosphate are virtually insoluble in water. Large charges on the calcium and phosphate and generate a formidable lattice energy that is greater than the energy of hydration. The energy of hydration jada hoga to cheeze dissolve hogi, note karo. If energy of hydration is greater than energy of hydration greater than lattice energy, तो क्या होगा? चीजें dissolve, dissolve, और इसका उल्टा हो जाएगा, if lattice energy is more than energy of hydration, चीजें dissolve नहीं होंगी, no dissolution.
ठीक बेटा, दिस इज क्लियर? लिख लिया, नोट करते रहोगे ना तुम्हें फायदा होगा, फिर ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइड वेयर की फिर तो आपको रिवीजन करना, तो वीडियो रन करा लो। तो आई थिंक नॉन कोलर इंडक्शन और क्रिटिकल एक समराइज कर देते हैं आपको ना, ये सारा हो गया। तो बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन न्यूट्रल ग्रुप लाइक दिस, बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड लाइक दिस, आयनिक इंटरेक्शन अट्रैक्शन लाइक दिस, ठीक है। And repulsion, hydrophobic interaction, van der Waals interaction, all are responsible for maintaining some structures, their stability, right? Enzyme, especially enzyme substrate, yeah, DNA RNA interaction with water, there are macromolecules which are stable because of various weak interactions. When these weak interactions are maximized, then they are going to be stabilized, right? It may be because of folding of polypeptide, maybe polynucleotides, or maybe some other molecule like enzyme, substrate interaction, or binding of hormone or neurotransmitter to receptors, okay? So all this depends on the many weak interactions, various weak interactions. Complementary interaction between the antibody and antigen is only because of weak interaction between the polar and charge group, right? And proximity of hydrophobic patches on the surface of molecule. तो इसमें देखो ये नहीं कि अगर पूछ दिया एंटीजन एंटीबॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम या सब्सटेंस इंटरेक्शन में कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो यू कैन नाउ काउंट। हाइड्रोफोबिक पैचेस पोलर एंड चार्ज ग्रुप, पोलर एंड चार्ज ग्रुप। What is halogen binding? नाम सुना है कभी? This is a electrophilic species. This is also kind of weak electrostatic interaction. If you know, halogen bonding is similar to hydrogen bonding, but this is a weak electrostatic interaction. Not exactly, but weak electro. Nucleophilic agents are there. This would be like oxygen, nitrogen, sulfur. ठीक है ना? Hydrogen bonding की तरह hydrogen atom में भी जैसे भी partially partly charged hydrogen atom as a electrophile. Highly negative charge like oxygen, nitrogen will be acting as a nucleophile. See, the hydrogen bonding is very similar to the hydrogen bonding. और ये mostly hydrogen bonding की तरह है, but hydrogen bonding क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये aromatic species में ज्यादा common है। एरोमेटिक स्पीसीज में जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी नॉट एज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रादर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन कहाँ पे वर्ड सुना था आपने? कहीं पे सुना था हाइड्रोजन वर्ड? टेल मी, केमिस्ट्री में पढ़? हाँ, हाइड्रोजन केमिस्ट्री में सुना था, और शादी ब्याह में जाते हो तो हेलोजन वहां जलता रहता है तो दिमाग की बत्ती भी जला दी है हेलोजन बॉन्डिंग, है ना, कि ये किसके बीच में बनता है। तो अब हमेशा याद रखना कि हेलोजन हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसे कहते हैं हेलोजन बॉन्डिंग। मिसेली फॉर्मेशन कहाँ होता है? मिसेली फॉर्मेशन जब आप सोप को डिजॉल्व करते हो या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करते हो, तो अभी आते हैं उस पर। ये नोट कर लो, देयर आर सम लिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, लैक्टेट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, यस। ग्लिसरॉल इज ए पोलर मॉलिक्यूल, यस।
aspartate is a polar molecule, yes. Lysine is a polar molecule, yes. Glucose is a polar molecule, yes. नॉन पोलर बैग्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल लाइक फिनाइलिन फॉस्फेटिडिल कोलिन. फॉस्फेटिडिल कोलिन इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. ठीक है, तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में हाउ दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज द डिपिक्शन ऑफ सेम. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखना. इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बिफोर द इंटरेक्शन देयर इज अ ऑर्डर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, सराउंडिंग द एंजाइम एंड सब्सट्रेट सेपरेटली, करेक्ट. लेकिन जब इंटरेक्शन हो जाती है देन एंजाइम इंटरेक्शन स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक एंड हाइड्रोफोबिक. ये क्वेश्चन सीएसआर में आया हुआ है, कौन कौन से बॉन्डिंग है जो स्टेबलाइज करते हैं जब एंजाइम सब्सट्रेट का इंटरेक्शन होता है. देयर आर थ्री बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, आयनिक और हाइड्रोफोबिक. डिसऑर्डर वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक पुश. थर्मोडायनामिक पुश बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एनट्रोपी. देखो ध्यान देना, इंक्रीज इन एनट्रोपी है, उल्टा है. हमने क्या बताया था, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव. यहां इंक्रीज है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा. ठीक है, क्लियर. ठीक है बेटे, तो अब ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को अगर डिजॉल्व करोगे तो देन अगेन रिटर्न टू द सेम कॉन्सेप्ट. अब क्या हो रहा है यहां पे, फ्लिकरिंग क्लस्टर ऑफ H2 इज गोइंग टू सराउंड. अब रबर बैंड की याद आ रही है आपको, कोई भी चीज पैक कर रहे हो तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, दे आर केजिंग, माने रबर बैंड की तरह को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पैक करने की कोशिश कर रहे हैं. जितने नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वह एग्रीगेट कर रहे हैं या एक इंटरेक्शन अलग से बना रहा है, एक क्लस्टर डेवलप हो रहा है, राइट. ये क्लस्टरिंग डेवलप हो रही है, तो क्लस्टरिंग डेवलप हो रही है एंड दैट क्लस्टरिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिसेली. ठीक है, तो एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज है कि ये डिक्रीज है, ये बताना है. एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड, देयर इज अ हाई एंट्रोपी ड्यूरिंग द मिसेली फॉर्मेशन. यहाँ पे लो एनट्रॉपी है जब डिजॉल्व नहीं किया था, जब मिसेली बन गया तो हाई एनट्रॉपी. एक क्वेश्चन ये आता है, ये पूछा हुआ कई बार, ऑर्डर ऑफ द गैसेस इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर. तो देखो नाइट्रोजन इज नॉन पोलर, पहले तो ये देख लो कौन सा पोलर है कौन नॉन पोलर. ऑक्सीजन नॉन पोलर, सॉल्युबिलिटी देखो 0.018, 0.035, 0.97 CO2 भी है. पोलर अमोनिया हुआ तो कितना हो गई 900, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ तो 1860, 1860.
व्हाट डज इट मींस ऑर्डर किया हुआ एनओसी, याद रखो क्या है नाम एनओसी लेते ही है ना, कहीं जॉब स्विच करते हो या अपने गाइड से पीएचडी ज्वाइन करते हो, कुछ काम कर रहे हो तो एनओसी लेते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसी तरह से याद रखो एनओसी, एन पर नाइट्रोजन, ओ पर ऑक्सीजन, सी पर कार्बन डाइऑक्साइड, ए पर अमोनिया, एंड देन लास्ट में जो बचेगा वो लिख दे एनओसी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन, ये एकदम याद कर लो, ये आता ही आता है सीएसआर में, इसको मिस नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जबरदस्त है, और इसमें मैक्सिमम लोगों को बहुत ही कम नॉलेज होती है, किसी भी कोचिंग में जाओगे आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो टीचर किसी के नोट्स लेके पढ़ा रहे होते हैं, खुद तो कुछ पता होता नहीं, ना कभी रिसर्च किया है, ना कभी कुछ जानते हैं, ना पेपर पब्लिस किया है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी जिस टीचर की नहीं होगी तो वो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, ठीक है बेटा। तो नॉन पोलर है तो उनकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट होगी, पोलर है तो हाइएस्ट होगी, एक तो जनरल टर्म हो गया, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीजेस एज क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिसॉल्व, तो ये नोट कर लो, द फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव, है ना, डिस्कस, डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, राइट। तो जब हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, NaCl को जैसे डिसॉल्व किया था, तब आंसर आपको मिल गया कि इसका एनोट्रॉपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द क्लेदरेट, जो वाटर मॉलिक्यूल की जो केजिंग होती है, ओरिएंटेशन होती है, राइट, उसको क्या क्लेदरेट बोल सकते हैं, बताओ। क्लेदरेट कंपाउंड जब भी डिजॉल्व करोगे किसी आयनिक मॉलिक्यूल को वाटर में, they are going to make the dispersion of molecule in the water, for example if it is liquid in water, they are going to form the dispersion, highly ordered structure, then cluster of molecule, and then finally the micelle, which is having the very high entropy, ठीक है। तो ये सारा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये रेडी है ये वंडरवॉल फॉर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। This is almost completed. अच्छा एक और भी प्रॉपर्टी सुन लो, लिक्विड वैसे तो डिजॉल्व नहीं होता, लिक्विड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर आपने नेचर में देखा होगा, देर आर वेरियस काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, राइट, दिस फॉस्फोलिपिड्स क्यों है नेचर में और क्या इनका रोल है, दीज फॉस्फोलिपिड्स इनकी वॉटर में डिजॉल्व होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जितना ज्यादा फॉस्फेट होगा उतना ज्यादा इनकी डिजॉल्यूशन होगी। So phosphate is right, the phosphate group is linked to other molecules such as ethanolamine, amino acid serine or sugar inositol, and because of that they are developing the negative charges in the phosphate as well as the charge group or hydroxyl group on the alcohol esterified, so they are strongly helping in interacting with the water. So phosphatidylcholine you can see is a typical phosphoglyceride, has a hydrophobic tail and hydrophilic head in which choline is linked to glycerol with phosphate. Either are both of the fatty acid side chain in phosphoglyceride may be saturated or unsaturated. Phospholipid bilayer form the basic structure of all biomembrane. Right? So lipid form क्यों मिसेली बनती है, कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, ये मिसेली लाइकोसोम और यही बाद में बन जाती है बायलेयर सीट, जब मेम्ब्रेन बढ़ाएंगे देन ये आपकी बायोकेमिस्ट्री आपको काम आएगी कि फॉस्फोलिपिड में से अगर फॉस्फेट हटा दिया तो बायलेयर के स्ट्रक्चर भी चला गया, तो दिस यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ बायलेयर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और न्यूट्रल पीएचपी इंट्रेक्शन बहुत हाई होता है बिकॉज देयर इज ए नो इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो पैकिंग इज वेरी इजी इन द bilayer, bilayer फॉर्मेशन ऑलवेज occurs at the न्यूट्रल pH. तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे, नाउ यू कैन सी द समरी, देयर आर फोर मेन टाइप ऑफ नॉन पोलर इंटरेक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयरन बॉन्डिंग, वंडरवॉल इंटरेक्शन,
हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एनर्जी सबका याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी है, हाइड्रोफोबिक की कितनी है, 1.5 किलो कैलोरी, हाइड्रोजन बॉन्ड की आपको बता ही दिया 3.5 के आसपास गई थी, कोवेलेंट की थोड़ी छोटी है तो वो ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे। एनी बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी कैन लिटिल नॉन स्पेसिफिक वैन डर वाल इंटरेक्शन आर क्रिएटेड व्हेनेवर एनी टू एटम अप्रोच ईच अदर क्लोजली, देयर रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्शन बिटवीन ट्रांजिएंट डाइपोल एसोसिएटेड विद ऑल मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स ऑकर बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोकार्बन, इन एक्वस एनवायरनमेंट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स इज मेनली बिकॉज ऑफ एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स नेसेसिएट लेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाटर इनटू फेजेस, देयर आर मेनी केसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैड टू सराउंड इंडिविजुअल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, तो फॉस्फोलिपिड मेन कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन बिकॉज दे आर एम्फीपैथिक एंड वेरियस नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन आर पॉसिबल इन स्टेबलाइजिंग द फॉस्फोलिपिड, राइट। So basic structure of biomembrane consists of phospholipid bilayer in which long hydrocarbon cationic chain and each lipid are oriented toward one another forming a hydrophobic core in the polar hydro and group. So natural biomembrane also contains protein cholesterol and other component inserted in the phospholipid bilayer. So this is the protein folding process that is spontaneous, delta G is negative, salvation layer form. And clear that cases are higher order structure of water than pure water. So in this term, there is a favorable entropy change that is delta is positive that helps in the burial of hydrophobic group with an inferior of folded protein because there is a decrease in the order of water. This is known as hydrophobic. This is the end of the lecture today. I think you have learned a lot of things. If you have any comments or anything to ask, you can ask. ठीक है बेटे, फिजिक्स साथ, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।